हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे मूलभूत गणितीय अवधारणा। फिजिक्स को समझने के लिए जो मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है, उस पर हमारा हिंदी मीडियम का जो वीडियो बन रहा है उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं अवकलन, जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे समाकलन। तो आज का हमारा टॉपिक है मूलभूत गणितीय अवधारणा में समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका। स्पेशली ये सीरीज़ मैं इसीलिए चला रहा हूँ कि फिजिक्स समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर जगह कैलकुलस का यूज़ होता है। समाकलन और अवकलन से रिलेटेड फार्मूला मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप उसको लर्न भी कर चुके हैं। आज हम सीधा समाकलन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से समाकलन का क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से अपन लेते हैं। सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको फिजिक्स में यूज़ के हिसाब से। जैसे मान लो हमको एक्स की घात चार का समाकलन करना है, एक्स की घात चार का समाकलन करना है, तो ऐसे छोटे छोटे समाकलन फिजिक्स में यूज़ होते हैं। तब हमको मालूम होना चाहिए कि एक्स के घात एन का समाकलन का फार्मूला क्या है। तो आप इसको याद कर चुके हैं, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। ये फार्मूला यदि हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो यहाँ पर जो n का वैल्यू है यहाँ पर क्या है, वो 4 है। तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू x टू दी पावर 5 अपॉन 5। और साथ में एक समाकलन नियतांक लिखना होता है, जो कि जरूरी नहीं होता कभी लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलता है, क्योंकि अवकलन होने के बाद वो शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत ही आसान समाकलन मैंने आपको बताया, लेकिन फिजिक्स में इसका कई बार सामान्य यूज़ होता है और हम उसकी प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, फार्मूला याद नहीं रहता, तो इतना छोटा समाकलन भी हमसे नहीं बनता। जबकि इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाते समय, फार्मूला डेरिवेशन समय इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं लेता हूँ इस पर, जैसे रूट में ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है अपने को, आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन करना है तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, घात एक बटे दो, तो सीधा एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन ही हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इक्वल एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी। तो ऐसा सामान्य रूप से जो समाकलन है इस प्रकार से होता है। अब अपन देखते हैं कि ये तो हो गया एक्स टू दी पावर एन वाला, ये वाले फार्मूला का यूज़ बताया जो कि बहुत सिंपल फॉर्म में होता है, लेकिन यूज़ भी बहुत होता है, ध्यान रखना फिजिक्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। चलिए अब अपन कुछ धीरे धीरे कुछ इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। मैं कम्प्लीटली फिजिक्स को ध्यान में रख के आपको समाकलन पढ़ा रहा हूँ। समाकलन बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, बहुत सिलेबस है ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा इस बात को ध्यान में रख के आपको गाइड करूँगा कि फिजिक्स में हमारा काम चलना चाहिए, माने फिजिक्स में हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन अपन इस तरह से लेते हैं। मान लो मैं एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लिया, इससे पहले मैं आपको देखो अवकलन में आपको याद होगा कि मैंने आपको चैन रूल पढ़ाया था, लेकिन समाकलन में चैन रूल अप्लाई नहीं होता, समाकलन में प्रतिस्थापन ही करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, हमको प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करना है तो किस प्रकार से होगा। देखो इसमें एक एग्जाम्पल लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आई इक्वल सपोज लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जिस प्रकार से अवकलन में भाग का फार्मूला होता है, अवकलन में क्या होता है, भाग का फार्मूला होता है, यू अपॉन वी का हम फार्मूला आपको बताए हैं, लेकिन समाकलन में भाग का फार्मूला नहीं होता, यहाँ पर हम इसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान समझना, इसमें दो फंक्शन हैं, एक लॉग एक्स है एक एक्स है। तो हम यहाँ पर यह सोचते हैं कि हम किसका, यदि इसमें से कौन सी राशि को हम t सपोज करें कि उसका अवकलन करने पर दूसरा वाला फंक्शन आ जाए, तो नेचुरली आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि हम log x को क्या सपोज कर लें, t, नाउ पुट log x इक्वल टू t, और इसका हम यहाँ पर करें अवकलन, इसका अवकलन करें तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, देयरफॉर लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स हो जाता है, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स।
इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो दैट इम्प्लाइज 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में अपने आप दूसरा फंक्शन क्रिएट हो गया, ये है dx और ये अपान x, dx बटे x वो कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। इस प्रकार से इस मान को हम यहाँ पर भर दें तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, therefore I equal log x को हमने क्या सपोज किया है t, तो ये हो जाएगा t into dx बटे x क्या मिल गया हमको dt मिल गया, तो t dt हो जाएगा और इसका घात एक है, इसका समाकलन करेंगे तो t का घात 2/2 दैट इक्वल t के मान को हम यहाँ से ला के रख दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर अपॉन 2+c, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप देखो कि हम प्रतिस्थापन द्वारा किस तरह से समाकलन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ यहाँ पर, देखिए इस तरह का क्वेश्चन का कई बार फिजिक्स में यूज होता है, जैसे आई इक्वल टू मान लो हमने लिख दिया 3x+5 to the power 5 dx। अब इसका यदि हमको अवकलन करना हुआ, तो 3x+5 के घात 5 को हम विस्तार तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको t सपोज करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हो 3x+5 इसको हम सपोज कर लेंगे t, तो उसको t सपोज करने पर क्या हो जाएगा देखो, नाउ पुट 3x+5 = t। अब इसका हम यदि डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये हो जाएगा d/dx of 3x+5 = dt हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, d/dx किए तो अब 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3 होगा, x का 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt/dx दैट इम्प्लाइज। अब यहाँ से dx का मान निकाल लो, ये वाले dx का, तो dx को इधर पक्षांतर कर दूँ मैं तो dx बराबर हो जाएगा dt/3, इतना प्राप्त हो जाएगा अपने को। अब यहाँ पर देखो कि यदि हम इस मान को यहाँ पर भर दें तो हमको मिल जाएगा i=integration of 3x+5 को क्या लिख सकते हैं t, और t का घात ये हो गया 5 into dx का मान हमको क्या मिला है dt/3, देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसका बहुत आसानी से समाकलन कर सकते हैं, दैट इक्वल 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया, t का घात 5 का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा t का घात 6/6, 6 × 3 ये 18 हो गया, 1/18 t के मान को हम यहाँ से भर देते हैं, t का मान है 3x+5 इसका घात 6+c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन होता है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हम क्या करते हैं किसी एक फंक्शन को t मान के उसका अवकलन कर देते हैं और यहाँ पर मान को पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब यहाँ पर एक जो समाकलन यूज होता है, देखो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन का मतलब होता है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है उस फंक्शन को हम क्या करें इनटू के फॉर्म में हम समाकलन करें, खंडशः मतलब पार्ट पार्ट में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं इंग्लिश में उसको। तो इसका पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं, खंडशः समाकलन पार्ट पार्ट में समाकलन, i=u(v) dx, इस तरह से हमारे पास कोई फंक्शन है, आपको मालूम है कि जब अवकलन करते हैं तो u(v) का हमको फार्मूला पता है, प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन, धन द्वितीय फलन, प्रथम कलन, हमको मालूम है, लेकिन समाकलन में उसके लिए फार्मूला नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो पहले लिखा हुआ है उसको प्रथम फलन मान लिए और इसको द्वितीय फलन मान लिए, और इसका फार्मूला होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, ध्यान समझना। वैसे ये आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो परेशान मत होना, क्योंकि खंडशः समाकलन का फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं है, नेग्लिजिबल यूज है, कभी कभार कहीं हो सकता है, नहीं तो होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो जाता है फर्स्ट फंक्शन इनटू दूसरे का समाकलन रेड, पहले का अवकलन d/dx of u, दूसरे का समाकलन, ये जो होगा ये पूरे का फिर समाकलन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा फिगर आप फार्मूला आपको, लेकिन ये इसका फार्मूला है खंडशः समाकलन का। अब हम यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल बताऊँगा तो आप अच्छे से समझोगे। मान लो i=x(e^x) dx, इसका मेरे को समाकलन करना है, तो नेचुरली यहाँ पर देखो ये जो x है
वह यहाँ पर यू के फॉर्म में है और ये जो ई टू दी पावर एक्स है वो वी के फॉर्म में है। इसका यदि हम समाकलन करें तो कैसे होगा, फार्मूला से ये यू मतलब क्या हो जाएगा एक्स इंटू इसका समाकलन, तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का समाकलन हो गया माइनस समाकलन किसका डी बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब किसका एक्स का ये हो जाएगा और इंटू ई टू दी पावर एक्स का समाकलन या अवकलन है और फिर सब का क्या हो गया ये समाकलन हो गया। दैट इक्वल इसको आगे सॉल्व करें तो x इंटू इसका समाकलन होता है e टू दी पावर x, ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x तो उसका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा और e के घात x का e के घात x हो जाएगा इस तरह से। अब आगे फिर इसको x इंटू e टू दी पावर x माइनस इसका फिर से समाकलन करें तो ये तो क्या है वन तो कांस्टेंट है, e टू दी पावर x का समाकलन e टू दी पावर x ये होता है, दोनों में से e टू दी पावर x को कॉमन कर लें तो x माइनस वन प्लस सी ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है खंडशः समाकलन। इसका बहुत ज़्यादा यूज फिजिक्स में नहीं है लेकिन ये आपको सामान्य जानकारी के रूप में जानना चाहिए, क्लियर। तो ये है खंडशः समाकलन। अब देखो अब आगे मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 100% कंडीशन में यही फिजिक्स में यूज होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ और वो है निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन। और फिजिक्स में हर जगह फिजिक्स में आप जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको निश्चित समाकलन का ही जरूरत पड़ेगा। फिर आप सोचोगे कि सर सीधा निश्चित समाकलन ही पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपको समाकलन करना नहीं आएगा तब तक आप निश्चित समाकलन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब निश्चित समाकलन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बेसिकली उसी का आपको प्रैक्टिस करना है। वास्तव में निश्चित समाकलन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे और फिजिक्स में जब यूज होते जाएगा तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह है निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन, निश्चित मतलब जिसका मान क्या हो निश्चित हो। पहले हम इसके लिए फार्मूला पढ़ लें तो निश्चित समाकलन का फार्मूला होता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब यहाँ पर एक्स का कोई फलन रखा जाएगा, ये मैं आपको बताया था। और ये जो समाकलन का चिन्ह है उसके नीचे में एक वैल्यू लिखा गया है एक और दूसरा वैल्यू रखा गया है ऊपर में बी, ए और बी। तो यहाँ पर जो ए है इस ए को हम लोअर लिमिट, इंग्लिश में हम लोअर लिमिट और इंग्लिश में ही कहेंगे, हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा ये निम्न सीमा कहलाता है और ऊपर में जो लिखा गया है वो क्या कहलाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट हम इंग्लिश में ही कहेंगे उच्च सीमा, उच्च निम्न, उच्च निम्न कोई नहीं कहता उसको अपर लोअर ही आप ध्यान रखना। ये तो नीचे लिखा गया है वो लोअर लिमिट है, ऊपर लिखा गया है क्या है अपर लिमिट है। और यहाँ पर इसका समाकलन हो रहा है फंक्शन ऑफ एक्स का, तो जब इसका समाकलन हो जाता है तो समाकलन होने के बाद ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, ये ध्यान रखते जाना मैं क्या क्या बता रहा हूँ। ये जो समाकलन का चिन्ह हट गया क्योंकि समाकलन हो गया, जैसे योग होने के बाद धन का चिन्ह हट जाता है, अंतर होने के बाद ऋण का चिन्ह हट जाता है, उसी तरह से समाकलन होने के बाद समाकलन का चिन्ह भी हट जाता है। तो यहाँ पर समाकलन होने के बाद यहाँ पर जो नया फंक्शन आया वो कैपिटल एफ एक्स है, ये समाकलन के पूर्व का फलन है, जैसे यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो समाकलन के बाद का फलन है। और ये जो सीमा है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर ए और बी, ये समाकलन हो गया। अभी क्वेश्चन बताऊँगा क्लियर हो जाएगा। समाकलन होने के बाद क्या है इसमें सीमा को रखते हैं, तो यहाँ पर जो x है उस x के जगह में सबसे पहले अपर लिमिट को रखते हैं तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ b, और माइनस फिर इसके जगह में लोअर लिमिट को रखते हैं तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। ये मैंने आपको निश्चित समाकलन का फार्मूला बताया। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा फार्मूला। तो देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जो डायरेक्ट फिजिक्स में यूज होते हैं, जैसे आई इक्वल टू मान लो कहीं पर लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स और लिमिट है इसका जीरो से पाई बाई टू, ऐसा समाकलन हमको फिजिक्स में बहुत जगह मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये ए का मान कितना है जीरो है और वहाँ जो बी का मान है वो कितना है बी है,
और जो फंक्शन है वो क्या है, साइन एक्स है। क्लियर, दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व करें तो मैंने क्या बोला था, पहले इसका समाकलन हो जाएगा, तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर लिख दिया और समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, मैंने बताया था, ये वाला ब्रैकेट लगा लोगे तो साइन एक्स के जगह में क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो गया। लोअर लिमिट को यहाँ पर लिख लोगे और अपर लिमिट को यहाँ पर लिख लोगे इस तरह से, दैट इक्वल माइनस, अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो डिग्री, ये हो जाएगा दैट इक्वल। अब इसके मान को रख दें तो माइनस कॉस पाई बाई टू मतलब 90 अंश, उसका मान शून्य होता है, और माइनस कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हो गया 1, दैट इक्वल 1 के यदि हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस इसका माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस 1, और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, और इसका फिजिक्स में एनी टाइम यूज, यदि मैं समझता हूँ कि निश्चित समाकलन में यदि कोई स्टूडेंट अच्छा कमांड कर लेता है तो उसको कहीं कोई फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो इस तरह से इसका मान होगा, इसको निश्चित समाकलन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका जो भी मान आएगा वो डेफिनेट आता है, निश्चित मान आता है। देखो यहाँ पर इसका एक निश्चित मान आया क्या, 1 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। एक आध क्वेश्चन और मैं लेता हूँ और आपको बताता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करा दूँ मैं आप कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके, खासकर जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं, जैसे ये मिटा दूँ मैं, फिजिक्स में जब इसका यूज़ होता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है, हर जगह यही यूज होता है। सीधा भी फार्मूला को मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि फार्मूला आपके ध्यान में रहे। ये एक और क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज फिजिक्स का ही एक क्वेश्चन है, कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, तो मान लो कहीं पर हमको बल निकालना है एफ, अब एफ के रूप में ले लें इसको, और यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन है कूलाम के नियम का, मान लो एक्स वन से एक्स टू, और यह है के, ये क्यू वन इंटू क्यू टू अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कूलाम का नियम है, आपको मालूम है कूलाम का नियम यही होता है, और इस कूलाम के नियम में हमको क्या करना है, इसका समाकलन करके मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इसमें हमको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अंदर में कांस्टेंट क्वांटिटी कौन कौन सा है, नियतांक तो के कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, आवेश Q1 कांस्टेंट, आवेश Q2 कांस्टेंट है, ये सब हम क्या करेंगे समाकलन के बाहर कर लेंगे। तो समाकलन के बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2, और समाकलन के अंदर हो जाएगा X1 टू X2, और यहाँ पर बच गया 1 अपान एक्स स्क्वायर, X को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो X टू दी पावर माइनस टू डी एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, अब ऐसा हो जाएगा। अब आगे हम इसको और समाकलन करें तो K Q1 इंटू Q2 समाकलन होगा तो समाकलन का चिन्ह हम हटा देंगे इस प्रकार से, और यह हो जाएगा x के घात ऋण दो का समाकलन हो जाएगा x टू दी पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, एक बार लिख देता हूँ, माइनस टू प्लस वन, और लिमिट को यहाँ लिखा जाएगा x1 टू x2, दैट इक्वल ये हो गया k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू। अब यहाँ पर आप देखो इसका x का घात ऋण एक, ऋण एक होगा तो ऋण उसको लिख सकते हैं एक बटे x, एक्स वन टू एक्स टू, आगे सॉल्व करें ऋण को मैं बाहर कर देता हूँ, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा दैट इक्वल माइनस के क्यू वन इंटू क्यू टू, और अपर लिमिट लिखेंगे क्या इसको एक्स टू को, तो हो जाएगा वन अपान एक्स टू, और इसके बाद फिर लिखेंगे लोअर लिमिट को तो माइनस वन अपान एक्स वन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि निश्चित समाकलन में अच्छा कमांड कर लो तो फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम, बाकी तो मैं बताते रहता हूँ, जहाँ पर भी जरूरत पड़ता है मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऋण का यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ फिर तो के क्यू वन इंटू क्यू टू, ऋण तो ये प्लस आएगा तो वन अपान एक्स वन माइनस वन अपान एक्स टू, इस तरह से इसका समाकलन हो जाएगा। ये फिजिक्स में कूलाम के नियम को मैंने समाकलन किया कहाँ से, एक्स वन से एक्स टू तक। क्लियर, इस तरह से इसका समाकलन होता है। अब मैं देखो इसका फिजिक्स में कुछ और डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको बताऊं, देखो सिर्फ सिंपल आपको इंटीग्रेशन बताने के बजाय मैं फिजिक्स में किस किस तरह से यूज होता है ये फोकस करके पढ़ा रहा हूं। चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो कहीं पर हमको कार्य निकालना है और W इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ F dx, ठीक है, F dx
क्योंकि हम जब टोटल कार्य निकालते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित करने में विस्थापित करने में कार्य निकालते हैं, एक फार्मूला बताया, तो कार्य का फार्मूला होता है ये एक्स वन टू एक्स टू, ये एक्स से एक्स पॉइंट से एक्स टू पॉइंट तक, एक्स वन पॉइंट से एक्स टू पॉइंट तक किसी पिंड को विस्थापित करने में किया गया कार्य का फार्मूला है। देखो कितना सिंपल से इसका यूज़ होता है, एक न्यूमेरिकल मान हमारे पास है और उसमें बल के मान को दिया है एफ इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री न्यूटन, हमको दिया है कि बल का मान एक 2x प्लस 3 न्यूटन है और उसको एक मतलब उसको मान लो शून्य से 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करो करके हमको न्यूमेरिकल है। छोटा सा ये क्वेश्चन है देखो दो लाइन का, इसको बना नहीं पाते हम क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी पिंड पर यदि लगाया गया बल 2x प्लस 3 न्यूटन है तो उसको शून्य से 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये किए गए कार्य का हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म में फार्मूला होता है, अब वहाँ पर हम उसको पुट अप कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, w इक्वल टू एक्स वन मतलब लोअर लिमिट है क्या 0, जहाँ से जहाँ तक तो लोअर 0 होगा और अपर क्या है 2, तो हो गया 0 to 2। इसके बाद जो f का वैल्यू है ये हमको दिया हुआ है वो है 2x प्लस 3 और यहाँ पर कर देंगे dx। देखो मान को भर दिया, ये सूत्र है। अब हमको निश्चित समाकलन करना आता है, हम समाकलन कर देंगे। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, अब समाकलन हो रहा है तो 2 कांस्टेंट है तो 2 ही रहेगा और x का घात 1 है तो x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर अपन 2, ये हो गया, और प्लस 3 का समाकलन हो जाएगा 3x। देखो भाई समाकलन तो आना चाहिए ना, यदि आपको समाकलन नहीं आएगा तो आप निश्चित समाकलन कैसे करोगे, इसीलिए पहले आपको समाकलन का प्रैक्टिस करना है प्रॉपर, मतलब x के घात n के फार्मूला का देखो वही सब यूज़ हो रहा है। अब x अभी शुरुआत में यही बताया, x के घात n का फार्मूला लगाया तो ये हो गया, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3x हो गया, अब यहाँ पर लिमिट है 0 to 2, दैट इक्वल, अब इस मान को हम यहाँ पर भर दें तो मान को भरेंगे तो देखो 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 भरेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी 3 into 2, इसके बाद माइनस लोअर लिमिट तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, दैट इक्वल ये 2 का वर्ग 4 और ये 3 × 6 तो 4 × 6 कितना हो गया 10 जूल, ये 10 जूल क्या हो गया किया गया कार्य हो गया। इस तरह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित समाकलन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको निश्चित समाकलन का प्रैक्टिस ढंग से आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत से हैं और फिजिक्स में यूज होते होते आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, समाकलन का आपको ढंग से प्रैक्टिस करना। देखिए मैं एक आध क्वेश्चन आपको और फिजिक्स से रिलेटेड जो आपको 11th क्लास में यूज होगा वो मैं एक आध क्वेश्चन और आपको बता दूँ। इतने में आपको मैं सेलेक्टेड फिजिक्स के ही एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको सबसे पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि फिजिक्स में कैसे यूज होता है, ठीक है। देखो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में गुरुत्वीय बल जो एफ होता है उसका जब हमको मान निकालना होता है तो मान लो हम उसको पृथ्वी की त्रिज्या से अनंत तक ले जाने में जो उस पर बल लगा रहे हैं इसका मान निकालना है तो गुरुत्वीय बल जो होता है या ये भी कार्य है समझ लो वो होता है कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। मैं जो कूलाम का नियम बताया एग्जैक्ट वही है लेकिन ये फिजिक्स से रिलेटेड है करके आपको बता रहा हूँ। जब आप गुरुत्वीय विभव की या किसी पिंड को गुरुत्व क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में किए गए कार्य निकालेंगे तो ये फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में ये वाला पोर्शन आपको काम आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर देंगे तो ये तीनों कांस्टेंट हैं इसको बाहर कर देंगे कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू और ये हो जाएगा आर टू इन्फिनिटी, इसको ऊपर ले जाएंगे आर टू दी बॉर्न। अभी एग्जैक्ट बताया वही है लेकिन चूंकि फिजिक्स से रिलेटेड है इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोबारा बता रहा हूँ, दैट इक्वल जी एम वन इंटू एम टू, अब समाकलन इसका होगा तो एक्स ये आर के फॉर्म में है तो आर लिखेंगे आर टू दी पावर माइनस वन अपन माइनस वन में डायरेक्ट लिख दिया आर टू इन्फिनिटी, दैट इक्वल जी एम वन इंटू एम टू, इसको मैं बाहर कर दूंगा तो माइनस हो गया और इसको हम लिख सकते हैं वन अपन आर और आर टू इन्फिनिटी। अब मान को भर देंगे तो माइनस जी एम वन इंटू एम टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वन अपन इन्फिनिटी माइनस वन अपन आर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि 1/अनंत का मान कितना होता है
जीरो होता है, इसका मान शून्य होता है। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो प्लस हो जाएगा और हमको मिल जाएगा W इक्वल टू माइनस, माइनस तो प्लस हो गया, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन कैपिटल R, ये आंसर हो जाएगा। ये गुरुत्वीय विभव या गुरुत्व पर किए गए कार्य निकालने का फार्मूला होता है। तो इस तरह से फाइनली मेरा कहना ये है कि आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला ये कि शुरू के वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने जब आपको अवकलन और समाकलन का तुलनात्मक चार्ट दिया था, वो सूत्र को आप हमेशा रटते रहो। वैसे फिजिक्स में मैथमेटिक्स को अच्छे से करने का एक ही फंडा है कि फार्मूला आपका अपडेट रहे, इसीलिए मैंने आपको पूरा फार्मूला प्रोवाइड कराया है। उसके बाद बीच बीच में आप क्या है, अवकलन करने और समाकलन करने की विधियों का आप रीजन कर लिए। ऐसा कोई मास्टरी नहीं चाहिए आपको उसको फिजिक्स में, फिजिक्स में एप्लीकेशन। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कैलकुलस को देख के आप परेशान मत हो जाना कठिन प्रश्नों को। आपको फिजिक्स के लिए, खासकर बायो के स्टूडेंट्स, मैथ्स के स्टूडेंट तो मैथ्स में कैलकुलस पढ़ता है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं जो नीट का प्रिपरेशन करेंगे उनको मेरा सजेशन है कि आप कैलकुलस के उतने पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लीजिए जो फिजिक्स में ज़रूरी होता है। और मैंने उसी को ध्यान में रख के ये अपना लेक्चर तैयार किया था कि मेरे फिजिक्स पढ़ने वाले जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, और फिजिक्स में जैसे जैसे इसका यूज़ होते जाएगा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो आप इसका अच्छे से तैयार करिए, फार्मूला को बेसिकली आपको एनी टाइम याद रखना है। ओके, थैंक यू।